तो दोस्तों देखो फिर से, तो दोस्तों ये देखो अभी ना ओले गिरने शुरू हो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है किरण नेगी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 8:30 बजे से। और दोस्तों अभी मैं आई हूँ अपने गौशाले पे, तो गौशाले पे करना है मुझे अभी कुछ काम। और मौसम देख सकते हो आज काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो आज के मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से। आज तक आप लोगों ने देखे मेरे मायके के व्लॉग और अब देखोगे ससुराल वाले व्लॉग। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है, तो आज मतलब कल भी काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी शाम को, और आज भी देखो पूरा ख़राब हो रखा है मौसम, और सुबह से लगातार बारिश लगी हुई थी। तो उधर की साइड को देखो फिर से बारिश आने लग गई है, और आज धूप का नामा निशान नहीं है और साथ साथ हवा भी चल रही है। तो दोस्तों अभी करना है मुझे थोड़ा कुछ गौशाले का काम, यहाँ का घास वगैरह थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी है और थोड़ा सा गोबर भी निकालना है। तो मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों अभी देखो फिर से बारिश आने लग गई है और मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है अभी। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ गौशाले से घर, और देख सकते हो आप लोग काफ़ी तेज़ बारिश आने लग गई है। तो अभी तक ना हमारे गाय भैंस आज चरने गए थे, वो भी नहीं आए। ससुर जी गए थे उनको लेके, और अभी तक हमारे गाय भैंस भी नहीं आए। तो देख सकते हो आप लोग फिर से कितनी तेज़ बारिश होने लग गई है। तो दोस्तों ये देखिए कितनी ज़्यादा जो है बारिश हो रही है, और इतना भयंकर बाहर आंधी और तूफान हो रहा है, हमारे तो घर के अंदर तक भी पानी घुस रहा है। तो देख सकते हो आप लोग कितनी तेज़ आज बारिश आ रही है, ये देखो। तो देख सकते हो आप लोग अभी कितनी तेज़ जो है बारिश आ रही है, और हमारे पूरे घर के अंदर तक पानी जा रहा है खिड़कियों के रास्ते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही है। पहाड़ों के मौसम का तो क्या ही बोले, आजकल तो डेली बारिश ही आ रही है हमारे पहाड़ों में। फोन टूटी। तो दोस्तों देखो फिर से इन्होंने अपना फ़ोन तोड़ दिया है, अब क्या ही बोले इनको पता नहीं, पूरा टूट गया भाई और डिस्प्ले जा रहा। तो ये देखो फोन की हालत देखो कैसे फोड़ दिया है इन्होंने फोन को। तो ये इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है, अक्सर इनके साथ ये सब होता रहता है। तो जितना बचा कुचा भी था इन्होंने इसका डिस्प्ले अलग ही निकाल दिया है, नुकसान हो गया 20,000 रुपये का। तो दोस्तों ये देखिए हमारे किचन में भी ना पूरा पानी आ गया है यहाँ से, और पूरे यहाँ तक देखो कितना ज़्यादा पानी आ गया है इस बारिश की वजह से। हवा इतनी तेज़ हो रही थी कि पूछो मतलब खिड़की और पंखे के रास्ते तो इतना पानी आ गया, ये देखो। तो दोस्तों अभी देखो बारिश के बाद ना फिर से यहाँ पे धूप लग गई है, तो देख सकते हो आप लोग। तो पहाड़ों में देखो आज क्या हो रहा है, आजकल उसी टाइम बारिश आ रही है उसी टाइम धूप लग जा रही है, और रॉकी को देखो यहाँ पे सोया हुआ है। हाय रॉकी। तो दोस्तों अभी ना शाम के 4 बज चुके हैं, और अभी देखिए मौसम कितना ख़तरनाक हो गया है, और नीचे की साइड को देखो बारिश आने लगी है। जैसे हमारे खेत में जाने की तैयारी हुई वैसे देखो बारिश शुरू हो गई है। तो अब तो पता नहीं, तो देखिए नीचे की साइड को बहुत ही तेज़ बारिश आने लगी है। तो दोस्तों अभी मैं और सासू जी आए हैं गौशाले पे थोड़ा कुछ काम करने के लिए, थोड़ा यहाँ पे हमें घास वगैरह रखना है अंदर, क्योंकि बारिश देखो आजकल यार बिना मौसम के बारिश कह सकते हैं हम, बिना मौसम के इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और खेत में मतलब इतना पानी भरा हुआ है, देखो सीधे यहाँ पे पांव ऐसे डूब रहे हैं नीचे को। तो अभी मैं हरा वाला टेंट ले जा रही हूँ, उधर सुबह ने कल हमारे आलू को सारा बर्बाद कर दिया है, और देखो हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है अभी।
दोस्तों हम ना आज ऐसे ला रहे हैं ईंट, देखो गौशाले में थोड़ा यहाँ पे घास रखने के लिए। और सास जी का देखो तो ये देखो ऐसे ला रहे हैं हम आज ईंट। मेरी भारी तो पूरी गिर गई, देखो दोस्तों। अभी ना हम तख्ता और ये बल्लियाँ ला रहे हैं यहाँ बैलों के, जहाँ ना हमारे बैल रहते हैं उस वाले गौशाले में, एक थोड़ा सा और बनाने के लिए जिसमें कि हम घास रख सकें और घास सड़े भी ना। तो अभी ला रहे हैं मैं और सासू जी, और ईंट भी ले आए हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे रखी हैं हमने कुछ ऐसी लकड़ियाँ जिनको कि हम वहाँ डाल के घास को बचा सकते हैं सड़ने वगैरह से। ओले गिरने शुरू हो चुके हैं इतने बड़े बड़े। ए भगवान। तो दोस्तों ये देखो कितने भयंकर ओले गिर रहे हैं अभी। ये देखो हम अभी हैं गौशाले पे तो दोस्तों ये देखो बिल्कुल बर्फ के जैसा गिर रखा है ओले यानी कि ढान। तो ये देखो सासू जी कैसे खेल रहे हैं इनसे। और ये देखो कितने अच्छे लग रहे ना, बिल्कुल मोती की तरह। हाँ मैं हाथ आई गो। तो ये देखो इतना सारा दोस्तों, इतने खतरनाक ओले गिर चुके हैं और हमारे जो घर पे पौधे वगैरह लगे थे लगते हैं आज सारे खत्म हो गए होंगे। और अभी मैं और सासू जी जा रहे हैं घर। तो ये देखो यार कितने ज़्यादा गिर रखे हैं। तो सासू जी तो घर भाग गए। और ये देखो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे सौन का महीना होता है ना, सावन का महीना, वो लग गया होगा। पहाड़ों में कितनी ज़्यादा जो है बर्फ बारिश हो रही है और साथ में ओले भी गिर रहे हैं। तो देख लो रास्ते रास्ते भर इतने ज़्यादा ओले गिर रखे हैं और बारिश की वजह से ना ये पूरा मतलब पिघल चुके हैं। तो हमारा हौज भी आजकल फुल भर रखा है। तो देखो उधर से बादल कितनी तेज़ जा रहे हैं। ये बोली देखो अभी सासू बच्ची है, ये बोली देखो सासू बच्ची है अभी सजी तो बच्ची। तो दोस्तों ये तो सासू जी को ऐसे सिखा रहे हैं जैसे किसी बड़े बच्चे को, तो उनको अभी नहीं आता है तो एक बच्चे की तरह सिखाना पड़ेगा हमको। तो छोटी बच्ची वैसे लिखा है अपना नाम भी, ये देवी। और ये दूसरी। तो दोस्तों बारिश भी अभी लगातार लगी हुई है और आज ना सुबह से शाम तक बारिश ही लगी हुई है। और मिस्टर जी लगे हैं उधर साफ सफाई करने पे, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ गई है तो उधर देखो साफ सफाई कर रहे हैं आज पहली बार। तो ऐसा नहीं है पहली बार नहीं है, करते रहते हैं, सभी करते हैं घर पे। तो अभी भी देखो बहुत ही तेज़ बारिश आने लगी है। तो आज के वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर तो करना ही करना है यार, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलती हूँ कल मैं आपको एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।